हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 8, दैट इज क्लास 8 आल्सो। ओके, क्लास 7 के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है, पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, चलो तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। ये क्या है? देखो, इसका जो पिछला चैप्टर था वो था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो वहां पे क्या था, कुछ एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक नंबर्स लिखा हुआ था प्लस माइनस के फॉर्म में। तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, उस एक्सप्रेशन का एक नाम है, वो नेम जो है वो है पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पे किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम पॉलिनोमियल नहीं कह पाओगे, कुछ रूल है, कुछ क्राइटेरिया है, तो वो हमें जानना है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, देखो पहले जो है कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, आफ्टर दैट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, टर्म क्या क्या होता है और उस टर्म के हिसाब से कौन मोनोमियल, उसका नेम क्या क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन, मतलब मोनोमियल कौन होता है, बाइनोमियल कौन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है, क्या होता है डिग्री, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री क्या होता है। कभी तुम लोग ये टर्म सुने हो बाइक्वाड्रेटिक, तो ये भी हम लोग सीखेंगे इसके बाद। और उसके बाद ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे कोई पॉलिनोमियल, जो पहले तो तुम्हें जानना है कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब उसके बाद जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब सारे हैं ऑलरेडी, इसका थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लास 7 में कर चुके हो, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी सीखेंगे और जो फैक्टर मेथड है उसमें भी सीखेंगे। ओके, तो ये है टॉपिक हम लोगों का। तो पहले आज का कंसेप्ट जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में जो जानना है वो हम लोग जान लेंगे। इसको और भी डिटेल्स में बोल सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअली देखो ये क्लास 9 में भी होगा, वहाँ पे और भी डिटेल्स में होगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ये सब टर्म आएगा। तो एक ही दिन में अगर सब बता दूंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो जो क्लास के 8 के स्टैंडर्ड के है उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक चीज़ को तो हम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल जब बोलते हैं तो उसको लिखना ही पड़ता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सोचो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखने वाला हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डेफिनेटली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा और एक चीज़ पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। हर बार हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते ना, तो क्लास 7 में भी पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, है ना, उसी तरह का यहाँ पे भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो कुछ मैं एल्जेब्रिक आइडेंट जो एक्सप्रेशन है उसको मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√x+3 ऐसा, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल मैंने चूज किया है। यहाँ पे कौन पॉलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा पहले एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके डेफिनेशन में कैसे याद रखना है। दो चीज़ें एक्चुअली हम लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पे जो सारे मैंने नंबर लिखे हैं वो दे आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यहाँ पे कितना वेरिएबल है। अच्छा, तुम और एक चीज़ लिख सकते हो कि वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y+2, प्लस 2 और कॉन्स्टेंट नहीं है, सोचो बस इतना ही है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे सारे जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं सब क्या है, एक ही वेरिएबल है सब में। अगर इसको देखोगे पहले वाले को, देखो वहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे वाई, और कुछ अलग से हम लोग ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy+y2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये भी एक एक्सप्रेशन से, है ना। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, यहाँ पे देर आर टू वेरिएबल्स, है ना, लेकिन ये जो सब नंबर है वन वेरिएबल, है ना। तो अंतर क्या है, मतलब यहाँ पे कितने एल्जेब्रिक डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है, एक्स का एक्सपोनेंट अलग अलग है लेकिन सभी जो है एक्स ही है, और यहाँ पे जो है ये y x दोनों मिल के है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स, ये वन वेरिएबल का है मामला। अभी आ जाओ
कौन पॉलीनोमियल है और कौन पॉलीनोमियल नहीं है। देखो यहां पे तुम्हें क्या करना है, पहले देखना है कि ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल्स। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक्चुअली वन वेरिएबल के ऊपर ही है। तो अभी पहले मतलब एक्सप्रेशन में आ जाओगे तो यहां पे तुम्हें देखना है कि देखो जो x जो वेरिएबल है उनका पावर को नोट करो, डिनोट मतलब देखो नोटिस करो वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो रहा है या नहीं। क्या टर्म है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये कौन है, ये मोहतरमा कौन है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन है यार, अगर तुम लोग सही ढंग से पढ़े हो क्लास 6 और 7 को तो तुम्हें पता है, अगर ऑनलाइन क्लास के चलते अगर कुछ कहीं पे भी तुमने गैप दे दिया तो प्रॉब्लम होगा, भूल जाओगे। तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। नॉन नेगेटिव मतलब जो लोग नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या होता है इंटीजर, पहले बताओ इंटीजर कौन है, जो पूरा पूरा नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा चलता रहेगा। तो ये सब नंबर है इंटीजर नंबर, जो पूरा नंबर होता है। जीरो भी आएगा ना, हाँ जीरो भी आएगा, तो जीरो भी एक पूरा नंबर है। तो ये 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, 0 ये सब नंबर्स जो है वो है इंटीजर नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो पॉजिटिव होता है और जिसका साइन नहीं होता है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं होता है, सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता ही रहेगा। 1 crore 1 crore 3 lakhs 23,590 ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, प्लस है उसके सामने। तो ये सब नंबर्स हैं। अच्छा नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, जो जो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा तो यहां पे नहीं कहा गया कि उसका साइन नहीं होना चाहिए, बोला गया कि नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन नंबर्स में तीन तरह का नंबर होता है, क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव नंबर्स, एक होता है नेगेटिव नंबर्स, और उनके बीच में एक होता है जो न्यूट्रल रहता है, वो है जीरो। मोहतरमा जीरो ऐसा है कि वो एकदम न्यूट्रल है। वो क्या करता है, चलो मेरा जो राइट साइड में है सब पॉजिटिव नंबर्स है, मेरा जो लेफ्ट में जाएगा सब नेगेटिव जाएगा, ऐसा होता है जीरो का मामला। लेकिन जीरो बोलेगा मेरा तो कोई साइन नहीं है, मैं एकदम एकदम न्यूट्रल हूं, है ना। तो इसलिए जीरो को भी यहां पे लेना है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं है, जीरो हैज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव साइन, गॉट इट। तो इसीलिए यहां पे जीरो तो होगा ही, उसके साथ जो सारे पॉजिटिव नंबर्स है उनको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, समझ में आ गया ना। तो इस तरह का नंबर अगर x के पावर में होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। क्या देखेंगे हम लोग कि जो नंबर नॉन नेगेटिव है उस तरह का नंबर अगर इसके पावर में होगा तो वो होगा पॉलिनोमियल। तो अब पहले मैं चेक करो, ये तो वन वेरिएबल है लेकिन इसको अच्छे से लिखोगे तो ये एक्स टू दी पावर हाफ रूट एक्स, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, एक्स टू दी पावर हाफ रूट का मीनिंग क्या होता है, टू दी पावर हाफ पावर में आके ऐसा ही होता है। क्यूब रूट का क्या होता है, टू दी पावर 1/3, फोर्थ रूट का टू दी पावर 1/4। तो तुम लोग स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़े हो तो ये सब तुम्हें पता है, तो इसलिए मैं उतना डिटेल्स में यहां पर नहीं जाऊंगा। तो यहां पे देखो ये जो नंबर है, पहले यहां पे नहीं इसमें आ जाओ, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, डेफिनेटली टू डेफिनेटली नॉन नेगेटिव है। ये मोहतरमा कुछ नहीं है, ये छुप के बैठा है, ये आपको अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, ये छुप के बैठा है, इसका कुछ नहीं है। मतलब क्या मनी मन में सोचेंगे, ये वन है मतलब ये पावर वन, मतलब ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, गॉट इट ना। यहां पे तो एक्स है ही नहीं, मतलब ये एकदम वैनिस, एकदम मैजिशियन जैसे नहीं है, वैनिस एक्स टू दिवस जीरो एक मैजिशियन है, पता है क्यों, क्योंकि ये हर एक नंबर के आ जाता है, कोई भी नंबर का जीरो कर दो तो वन ही आ जाता है, तो वैनिस हो सकता है वो, है ना। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू वन होता है, डेफिनेटली एक्स नॉन जीरो नंबर होता है। तो नॉन जीरो का पावर अगर जीरो होता है, कोई भी नॉन नेगेटिव नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के नेगेटिव हो पॉजिटिव हो किसी का नंबर का पावर जीरो कर दो तो वो हमेशा वन देता है, तो इसका पावर भी जीरो, जीरो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये सभी जो है एकदम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब पावर में एक्सपोनेंट में, ये और ये तीनों ही। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल। कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आओ, एक बार ये पूरा देख लो सेशन,
तुम्हें जो वर्कशीट वन है ना, अब खुद भी खुद इसको देखने के बाद, अब हम तो कल ही, आज ही तो नहीं, ये वर्कशीट वन जो है अपलोड नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो आज तुम इसको वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद बैठ जाओ वर्कशीट वन को करने। अगर कोई भी शाम अटक गया ना तो मुझे बताना, अगर तुम ठीक से समझोगे तो तुम वो कर पाओगे। फिर भी कहीं पे डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लो, तुम्हारा पूरा वर्कशीट खुद से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक रूट एक्स, मैंने अभी भी कहा कि ये है एक्स टू द पावर हाफ, तो हाफ जो है वो तो इंटीजर ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में तो बाद में सोचेंगे, वो तो इंटीजर ही नहीं है तो नहीं होगा, तो दैट इज क्रॉस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी यहां पे आ जाओ, ये पावर देखो क्या है, 3/2 है ना, तो पहले क्या ये मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसके लिए क्यों हम इसको रिजेक्ट कर रहा हो, इसके लिए, यहां पे क्यों रिजेक्ट किया, इस टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए, द सेकंड टर्म द पावर ऑफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, हाफ दैट इज हाफ, इट इज नॉट एन इंटीजर, सो नहीं होगा। ये जो ये जो एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक, तो मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम पॉलिनोमियल नहीं कह पाओगे, लेकिन क्यों कब का कह पाओगे, अगर वो उसका जो पावर होगा वो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ, इस तरह का नंबर, तो ये तो नहीं होगा, ये पे वन हो तो ये हो सकता था, अगर ये टर्म नहीं रहता तो ये नहीं होगा, इसके चलते चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो ये 4 है इंटीजर, ओके दैट इज इंटीजर, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब वन है इंटीजर, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, मतलब एक्स टू दी पावर 0 है, सभी इंटीजर है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एक नंबर को हम लोग देख सकते हैं, वो है 3/4, ये तो इंटीजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्स का कोएफिशिएंट है, कौन क्या कोएफिशिएंट किसको कहते हैं ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो समझ में आया ना, तो ये नहीं होगा, गॉट इट, तो ये होगा पॉलिनोमियल्स, इसको नहीं लेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट एक्स के पावर में देखना है, एक्स के एक्सपोनेंट के जगह पे देखना है, कोएफिशिएंट के जगह पे नहीं, एक्स के सामने कौन बैठा है उसको नहीं देखना है, गॉट इट, ओके। तो यहां पे आ जाओ, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का है, अभी तुम लोगों का जो सेशन है, मतलब जो चैप्टर है वहाँ पे ये सब नहीं है, तो इसको बारे में अभी नहीं आते, तो चलो अभी समझ में आ गया ना। अभी सोचो कि अगर हम ऐसे चूज करें और एक चूज करते एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर माइनस वन और वन बाय एक्स लिखो, वन बाय एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, चलो प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको लिखो इस तरह से, हम लिख सकते ना एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स टू दी पावर माइनस 2 क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है, मैंने बता ही दिया एक्चुअली, माइनस 2 प्लस 2, इसको ठीक से लिखोगे तो क्या होगा, ऐसे लिखोगे तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा ना, ये 1 बाई था, ये नीचे है 2, मतलब माइनस आ जाएगा ऊपर में, तो बताओ ये एक नेगेटिव इंटीजर है या नहीं, इंटीजर तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल को चूज करते हैं, चलो उसका डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, लेट्स सी। देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन कुछ टर्म्स को लिखे हैं, लेकिन मैं इसको आसान शब्द में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये सब पढ़ोगे तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एज ए मैथ्स टीचर हमें ये बोलना था, तो इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो देखो यहाँ पे पहले ही बोला गया है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, वेयर ए जीरो ए वन ए टू डॉट ए एन, मतलब ये सब नंबर्स, ये वाला यहाँ पे देख लो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी, दिस ऑल दीज आर गिवेन नंबर, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हो सकता है, ये अभी पढ़ोगे नहीं, 11 में है क्लास, ये क्लास 11 में है, एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये जगह याद है तुम्हें, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स होगा, अभी तुम रियल के बारे में ही सोचो, रियल नंबर तुम लोग सबको पता है, तो रियल के बारे में सोचो, कोई भी एक्सप्रेशन हो कि 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस और प्लस 1, इस तरह का नंबर है, एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे देखो ये जो 3, 2, 1, मतलब ये सब नंबर्स जो है ना, ये सब रियल नंबर है, ये चेक करना है हमें कि ये रियल होगा, ठीक है,
अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 11 में है, तो ये रियल पूरा डेफिनेशन एक्चुअल ये होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तुम नहीं भी लिखोगे क्लास 8 में तो चलेगा। तो ये एक्सप्रेशन का एक पार्ट ऐसा है। अगर सोचो मैं स्क्वायर लिया है, तो ये अगर मैं क्यूबिक लेता तो और एक टर्म यहाँ पे ऐड हो जाता, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते थे 4x³। और एक टर्म लेना है तो 5x⁴, ऐसा करके तुम और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पूरा हो सकता है, यहाँ से इतना तक हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये सभी पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब पहले एक्स जो वेरिएबल है उसका पहले जो नंबर्स है, सभी जो है रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब तुम्हें पता है क्या होता है। एंड जो एक्सपोनेंट है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या 1, 2, 3 पॉजिटिव सब नंबर हो सकता है, तो उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब एक्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, मैंने जो ऊपर वाला लिखे ऊपर में लिखा है वो, यहाँ पे भी वेरिएबल देखो सभी एक्स है, तो वेरिएबल एक्स है। अंडरस्टूड? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ से। अभी बोला गया कि वेयर a₀, a₁, a₂, 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 a₂ कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। अभी कोएफिशिएंट मीनिंग, अभी भी मैंने बोला ना कि जो वेरिएबल के सामने होता है, सभी भी यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, अलग अलग टाइप का एक्स है, मतलब एक x⁴, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लाइक इसको देखो, यहाँ पे x⁴, 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 ये सब नंबर्स है, तो इसके पहले का जो नंबर्स है ये और ये सब जो मैंने एनसर्कल किया है, ये सब जो होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। समझ में आ गया? वही बोला गया, जनरल फॉर्म में ये होता है और पर्टिकुलर कोई फॉर्म ऐसा भी हो सकता है। जनरल मतलब जो सभी के लिए अप्लाई हो सकता है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको देखने के बाद तुम्हें डर लग सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे तुम और भी टर्म ऐड कर सकते हो, लाइक 6x⁵, 7x⁶, इस तरह का कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, तो सभी एक्सप्रेशन जो होगा पूरा एक्सप्रेशन उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। कोएफिशिएंट समझ में आ गया, जो वेरिएबल के सामने होता है। ओके अभी जो पूरा नंबर है, मतलब ये पूरा नंबर, और अभी देखो प्लस माइनस साइन से टर्म्स जो है वो डिफर करता है, मतलब ये पूरा सा ऑल आर कॉल्ड एल्जेब्रिक टर्म, मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एल्जेब्रिक टर्म्स। टर्म्स मीनिंग वो कैसे तुम फाइंड आउट करोगे, प्लस माइनस उसके पहले आगे और पीछे प्लस माइनस साइन हो सकता है, हो सकता है मतलब वही होता है, आइदर प्लस होगा और माइनस होगा, इस दो साइन से ही हम दो टर्म को डिफर मतलब सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, अगर हम तुम्हें पूछे तो तुम कैसे बोलोगे, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ प्लस माइनस साइन है काउंट करो। बहुत आसान से एक ट्रिक है, यहाँ पे एक है, 2, 3, 4, जितना प्लस माइनस, यहाँ पे सभी प्लस है, सोचो चलो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी माइनस कर देते हैं। तो अभी समझ में आ गया ना, प्लस माइनस मिला के मैंने लिखा है, तो जो प्लस माइनस साइन होगा जितना होगा कुल मिला के टोटल 1, 2, 3, 4, टोटल 4 हो गया, उससे और एक ऐड कर दो, 5 टर्म्स है। कैसे? देखो प्लस माइनस साइन ही डिवाइड सेपरेट करते टर्म्स को, एक है टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लस माइनस साइन जितना होगा उससे एक ज्यादा होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये पॉलिनोमियल है जिसका कितना मतलब टर्म्स है, 5। गॉट इट? अगर मैं इस पार्ट को रब कर दूं तो कितना टर्म होगा बोलो, कितना है, एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन, कुल मिला के कितना माइनस प्लस साइन है, टोटल 2, तो 2 से और एक ऐड कर दो, 3 हो गया। तो ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स है, इसको एक नेम है ट्राइनोमियल बोलते हैं, 3 मतलब ट्राई, समझ में आया ना, ये 3 टर्म्स से, तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। 3, 2 होता तो बाइनोमियल, एक ही होता तो टर्म, मतलब कोई प्लस माइनस साइन नहीं है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। इस तरह का कैसे समझोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बहुत आसान सा ट्रिक है। टर्म्स कैसे फाइंड आउट करोगे, जितना टोटल प्लस माइनस साइन है उसको मिलाओ टोटल, यहाँ पे एक प्लस और माइनस, टोटल कितना है, 2, उससे एक ज्यादा होता है, मतलब 3 टर्म्स वाला ये पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आ गया? चलो अभी ये टर्म्स तो हो गया, अभी आ जाओ यहाँ पे, ए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए तभी क्या होगा, इज सेड टू बी द डिग्री एन, मतलब यहाँ पे जो एक ट्राइनोमियल मैंने लिया है, यहाँ पे
ये इतना मत सोचो ये 9 में जाकर और डिटेल्स में पढ़ोगे, यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, कैसे फाइंड आउट करोगे, x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर को फाइंड आउट करो, x का वेरिएबल सभी जो x ही है, हाईएस्ट पावर कौन है, 2 है यहां पे, तो इसका डिग्री जो होगा वो होगा 2। समझ में आया? और एग्जांपल देखना है तुम्हें, चलो थोड़ा पार्ट को ड्रॉप कर दे इसको, यहां पे इस जगह पे कर देता हूं, चलो यहां पे कर देता हूं, लाइक मैं और एग्जांपल लेने वाला हूं, x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस वन, और प्लस सभी प्लस लिया, चलो एक माइनस कर देता हूं, माइनस वन। अब बताओ इसका जो डिग्री क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर एक्स का, देखो एक्स वेरिएबल जो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे एक 3 है, यहां पे 5, कुछ नहीं मतलब 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 5, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसका डिग्री क्या है 5। गॉट इट, समझ में आ रहा है? चलो इस तरह से होना है, करना है। अच्छा और एक चीज है, जो डिग्री होता है वो भी एक टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म्स है, एक माइनस साइन और एक प्लस साइन, कुल मिला के 2, तो उससे एक ज्यादा मतलब 3, तो ये ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल में कौन सा जो टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, कौन सा टर्म डिग्री को डिफाइन कर रहा है, ये वाला टर्म है ना, तो इस टर्म को बोलेंगे हम लीडिंग टर्म। ये तुम्हारी बुक में नहीं है, बस मैंने लिख दिया, मन चाह तो लिख दिया, ठीक है। तो ये सब है, अभी चलो देख लेते तुम्हारी बुक में और क्या क्या है, तुम्हारी बुक में और क्या क्या है, यहाँ अच्छा मोनोमियल बाइनोमियल ये सब तुम सबको पता है, एक ही अभी मैंने बोल ही दिया, फिर भी चलो अच्छे से बोल देता हूँ, अभी भी मैंने बोला ना कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल के कोई भी एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, लाइक 5x स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, लाइक 3x, देखो मैंने कॉमा देके लिखा है, प्लस नहीं, ये अलग अलग है, ये एक है, ये एक है, ऐसे लिख सकते हो 4x टू द पावर 5, सिर्फ इतना ही है, और ऐसे भी कह सकते हो ओनली 5, ये सभी जो है ये अगर बीच में प्लस दे दूं वो अलग मैटर हो जाएगा, मतलब एक एक करके सोचो, सिर्फ सोचो 5x स्क्वायर, इसके बारे में सिर्फ सोचो, तो कितना टर्म है, यहां पे प्लस माइनस साइन है ही नहीं, मतलब एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, ओके, दीज आर मोनोमियल, गॉट इट, लाइक सिर्फ 3x के बारे में सोचो, ये सब नहीं है, 3x है, तो 3x में एक ही टर्म है, प्लस माइनस साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही टर्म है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल, इसको भी मोनोमियल कहेंगे, इसको भी मोनोमियल कहेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पे प्लस कर दूं और यहां पे माइनस टोटल, तो कुल मिला के कितना साइन हो गया, 1 2 3, तो उससे एक ज्यादा मतलब 4, तो ये कितना टर्म होगा यहां पे, कितना 4। लेकिन यहां पे एक बात कहना है, इस जगह पे मैंने कॉमा देके देके लिखा है ना, लेकिन ये जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है, यानी ये वेरिएबल नहीं है, यहां पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो इस तरह का नंबर को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ओके, ये जो है कांस्टेंट पॉलीनोमियल, समझ में आ गया, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, -1 -2, कुछ भी, सिर्फ वही रहेगा, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू जो है फिक्स होता है, लेकिन यहां पे लाइक देखो 3x है ना, तो ये एक मोनोमियल है, ये इसको कांस्टेंट नहीं कह पाओगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 बैठा होगे तो ये 1 आएगा, गॉट इट, अगर x का वैल्यू 2 आया तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, है ना, तो इस तरह का, समझ में आ गया। चलो अभी बाइनोमियल क्या है, बाई मीनिंग 2, तो दो टर्म्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक ही साइन है, प्लस माइनस कितना साइन है, कुल मिला के एक ही, तो उससे एक ज्यादा मतलब 2, तो दैट इज बाइनोमियल, ओके, बाइनोमियल हो गया। अभी और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक यहां पे ये वाला अगर मैं हटा दूं तो ये क्या है, बाइनोमियल है, कितना टर्म है, 2 1 2, अगर टोटल होगा तो ट्राइनोमियल, चलो ट्राइनोमियल भी लिख लेते हैं, 3x टू द पावर 5 प्लस 2x3 माइनस 5, मैंने अपने मन से लिखा है, तो कितना टर्म है यहां पे, 3, ये 1 2 3, कैसे, कितना प्लस माइनस साइन है, यहां पे एक है और यहां पे एक, कुल मिला के 2, एक प्लस और एक माइनस, टोटल 2, तो उससे एक ज्यादा मतलब 3, तो दिस इज ट्राइनोमियल, तो समझ में आ गया। अच्छा और एक बात कहना है, ये जो सब मैंने लिखा है ना, फिर भी यहाँ पे और एक चीज है जो मैंने नहीं बताया, वो है अनलाइक टर्म्स होना चाहिए, सभी टर्म जो है अलग अलग होना चाहिए, दोनों में कोई भी मेल नहीं होना चाहिए, लाइक अगर मैं ऐसा लिखूं कि 5x प्लस 2x,
अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये क्या है पॉलीनोमियल, ये क्या है बोलो, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये क्या है हमें बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तो प्लस एक ही प्लस है, तो अभी देखो सर एक से ज्यादा होता है मतलब दो, सर सर ये बाइनोमियल है। गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा? देखो 5x एंड 2x दे आर लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को ऐड किया जा सकता है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 7x होगा, तो अभी एक्चुअली में ये क्या है मोनोमियल है, समझ में आया? अगर चलो मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर और एक टर्म को ऐड कर देता हूं, अब बोलो ये क्या है, ये वाला क्या है ट्राइनोमियल है, देखने में तो ट्राइनोमियल लग रहा है, नहीं ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दो टर्म जो है लाइक टर्म्स है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते, तो इसलिए हम लिखेंगे नेक्स्ट इस लाइन में दिस एंड दैट वन इज 7x, सो दैट इज बाइनोमियल। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है कि देख लेना एक बार कि ये बाइनोमियल एक्चुअल में है या नहीं, मतलब सारे जो टर्म्स है ये अनलाइक टर्म्स, एक्चुअली मैंने लिखा भी था अनलाइक टर्म्स लेकिन मैं बोलना भूल गया था, इसलिए मैंने फिर से बता दिया है। ये अभी डिग्री के बारे में भी मैंने बता दिया है, क्या होगा जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वो डिग्री होता है, ठीक है, और कुछ शायद बाकी नहीं है तुम्हारी अभी 8 के स्टैंडर्ड में। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको बोलने के बाद ही हम खत्म करेंगे इस सेशन को, आज का क्लास को, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 1 करने वाले हैं। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है इसको जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं, जो एक एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बिगर पावर से स्मॉलर पावर में अरेंज करना है, मतलब देखो एक अगर मैं ऐसा लिखूं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 माइनस x, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये तो अरेंज नहीं किया गया, देखो ये तो एक पॉलीनोमियल है ये श्योर है, क्यों? क्योंकि सभी वेरिएबल का जो एक कोएफिशिएंट है मतलब जो सामने है वो नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स है, एंड यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है सभी जो है इंटीजर नंबर, नॉन जीरो इंटीजर नंबर, अदर आई कैन से ओके। तो अभी इस ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी जो हमने लिखा था ना यहाँ पे सभी सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? अरेंज करो सबसे जो बड़ा नंबर, बड़ा ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो इसका जो डिग्री है फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, तुम्हें क्या देखना है सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, कौन है यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है, 1 है और 0, मतलब 4 हाईएस्ट है तो डिग्री 4 है। अब उसी को पहले लिखो, लीडिंग टर्म को हमेशा पहले लिखना है, लीड करना बोलता है ना, लीडिंग द टीम, जो कैप्टन होता है वो टीम को लीड करते सामने से मतलब जो पहले रहता है, इसलिए तो मैंने कहा था इसको लीडिंग टर्म जो डिग्री डिसाइड करता है। तो सबसे बिगर पावर को मैंने लिखा है यहाँ पे, अब उसके बाद का जो है 3 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कहा ना, तो दिस अब उसके बाद का ये 2x स्क्वायर, अब उसके बाद का है माइनस एक्स और प्लस 1 ये वाला, गॉट इट? अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़ा नंबर फिर 3 फिर 2 1 0, हो सकता है कि यहां पे ये नंबर नहीं दिया गया, फिर भी तुम उसको अरेंज कर सकते हो, बस इतना करना है कि इस तरह से लिखना है, फिर भी ये एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद नथिंग 0, गॉट इट? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, बस यही था। तो हो गया, अभी ये चैप्टर में भी थोड़ा बोरिंग सा पोर्शन है, जब वेरीफाई करना है तो वैसे मस्ती मस्ती करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, थोड़ा लेंदी हो चुका है, बहुत कुछ बताना था एक्चुअली और भी था, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, एक्चुअली बताने का मन तो बहुत कर रहा था। चलो बच्चों बस कमेंट करो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं ये बताओ, कमेंट चाहिए, आई नीड सम कमेंट, नीड सम एंगेजमेंट, तुम लोग बताओ, लाइक करो अगर अच्छा लगा, नहीं लाइक कर दो डिसलाइक कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर सच में मेरा काम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं करे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बस इतना ही कहना था, सब तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।